एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मेरे ब्लाउज का कलेक्शन, और काफी प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से ब्लाउज आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि सभी को पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं अभी आपके साथ जो है हॉल वीडियो शेयर नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ मैं ब्लाउज का कलेक्शन शेयर करूँ, क्योंकि काफी लोग जो है मुझसे पूछते हैं, कॉमेंट करते हैं कि ब्लाउज कहाँ से परचेज किए, क्या है। तो फिर मैंने सोचा चलो ब्लाउज का कलेक्शन ही शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कपड़े नहीं है हॉल वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जब आप परचेज ही नहीं कर पाओगे तो शेयर करना मतलब वीडियो डालने का ही कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लाउज का कलेक्शन शेयर करते हैं। तो विदाउट एनी लेट जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट वाला ब्लाउज है ये मेरे लहंगे के साथ का ब्लाउज है, और ये वाला लहंगा जो मैंने है साड़ी में से स्टिच करवाया था, और उसके पल्ले का ऐसे मैंने ब्लाउज स्टिच करवा लिया, और इसमें मैंने ऐसी वाली नेक बनवाई है जो यहाँ के आपके फुल तक आ जाएगी, और ये जो लेस है मैंने इसमें अलग से परचेज की है गोल्डन वाली लेस, और इसकी स्लीव्स मैंने कुछ ऐसी बनवा ली, ये वाली 3/4 से कम स्लीव्स है, और यहाँ पे ऐसी छोटी वाली फ्रिल्स लगवाई है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। आजकल फ्रिल्स काफी ट्रेंड में है और अच्छी भी लगती है, पर आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप स्लीव्स पे फ्रिल्स लगवाएं तो वो थोड़ी छोटी साइज में होनी चाहिए तो ही अच्छी लगती है। अगर थोड़ी बड़ी फ्रिल्स लगवा लेंगे स्लीव्स पे तो वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। तो इस तरीके की मैंने इसमें जो है स्लीव्स लगवा ली। ये जो फैब्रिक था साड़ी का, ये वाला सिल्क फैब्रिक था, और ये पैडिंग ब्लाउज है, एंड बैक इसमें मैंने कुछ इस तरीके की बनवाई है। मैं इसकी पिक्चर साइड में अपलोड कर दूंगी। मैंने इसे एक जो है फंक्शन में वियर किया हुआ था, और ये वाली बिल्कुल मतलब डीप नेक है, अगर आप ऐसी वियर करते हैं तो ही ये वाला इस तरीके का ब्लाउज स्टिच करवाएं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है लेस लगवा ली, और यहाँ पे बैक पे बस आपके ये वाली जो है ये पट्टी आएगी, बस इतनी सी। बैक आपको जो है बिल्कुल डीप मिलने वाला है, अगर आप ऐसा वियर करते हैं तो ही आप स्टिच करवाएं। मैं इस तरीके की ब्लाउज वियर कर लेती हूँ। तो ये इस ब्लाउज में मैंने आगे ऐसे पैड्स लगवाए हुए हैं जिससे वियर करने में प्रॉब्लम नहीं हो, और मेरे जितने भी मोस्टली ब्लाउज होते हैं मैं उनमें साइड में ऐसे चेन लगवा लेती हूँ, जिससे क्या है फिटिंग काफी अच्छी आती है। आप चाहे तो विदाउट पैड भी बनवा सकते हैं, विदाउट चैन इसे बनवा सकते हैं। तो इस तरीके का मेरा ये फर्स्ट वाला ब्लाउज है। अब जो सेकंड वाला ब्लाउज है ये कुछ गोल्डन कलर में है। क्या है गोल्डन ब्लैक कलर काफी ज्यादा जो है सब मतलब सभी के साथ चल जाते हैं, कॉमन होते हैं। तो ये वाला जो गोल्डन ब्लाउज है मैंने काफी बार आपने देखा होगा वीडियो में भी वियर किया हुआ है, और ये सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। इसमें जो आगे ये वाली नेक है, ये वाली मैंने ऐसे पान शेप में ये वाली नेक दी है, और ये स्लीवलेस आपको ब्लाउज मैंने स्टिच करवाया है। ये मैंने अलग से फैब्रिक मार्केट से परचेज किया था गोल्डन वाला, एंड इसमें जो है मैंने स्लीव्स नहीं बनवाई, स्लीवलेस ब्लाउज बनवाया। मुझे मोस्टली जो ब्लाउज है स्लीवलेस पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको स्लीवलेस स्टिच करवाया। इसमें भी आगे पैड्स लगाए हुए हैं। इसका जो बैक है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, मैंने इसे काफी बार वीडियो में वियर किया हुआ है और सभी ने पूछा था। तो इस तरीके का ये मैंने पीछे इसमें डिजाइन बनवाया हुआ है। अलग से मैंने नेट लिया था आधा मीटर और फिर स्टिच करवाया था, तो ये बहुत ही प्यारा सा ये बो वाला डिजाइन है, और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही प्यारा सा शाइनी सा बटन लगवाया है। तो ये ब्लाउज पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, इसका बैक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी इमेज भी मैं साइड में लगवा दूंगी कि पहनने के बाद ये कैसा लगेगा। तो इस तरीके का ये वाला मेरा सेकंड ब्लाउज है, और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ब्लाउज है। नेक्स्ट वाला ब्लाउज है ये कुछ ऐसे गोल्डन और सिल्वर पैटर्न में है। ये वाला मैंने एक दो वीडियो में वियर किया हुआ था, काफी लोगों को पसंद आया था। तो इस ब्लाउज का डिजाइन तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है इस ब्लाउज का। लाइक देखो आपको पास से दिखाती हूँ, इस तरीके का आपको ये ब्लाउज मिलेगा। ये वाला जो ब्लाउज है मैंने अनस्टिच्ड ही मतलब फैब्रिक ही परचेज किया था इंदौर से, और इस तरीके का इसको मैंने सिंपल ही स्टिच करवाया है, बस पीछे दो डोरियां लगवाई है, सिंपल स्टिच करवाया है, क्योंकि इसमें मुझे कोई डिजाइन की नीड ही नहीं लगी, क्योंकि इसका फैब्रिक जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देखिए इस तरीके का आपको ये ब्लाउज मिल जाएगा। इसमें मैंने आगे जो है पैड्स नहीं लगवाए, नॉर्मल सिंपल सा ही मैंने इसको स्टिच करवाया, और पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है और सभी पे चल जाता है मोस्टली। तो ये वाला ब्लाउज जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस जो नेक्स्ट ब्लाउज है ये भी मेरे एक लहंगे के साथ मैंने स्टिच करवाया था। क्या अलग से मैंने लहंगा लिया था और चुनरी का ब्लाउज स्टिच करवाया था। ये जो दो चार ब्लाउज ऐसे होते हैं ना सभी के साथ चल जाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे ब्लाउज स्टिच करवा के रख रखे हैं। और देखिए कितना प्यारा ब्लाउज है। इसमें क्या किया मैंने पूरा जो है साड़ी का प्लेन कपड़ा ले लिया था, पूरी साड़ी ले ली थी एक्चुअली, और उसमें से मैंने ये ब्लाउज स्टिच करवाया। बाकी का जो कपड़ा फैब्रिक बच गया था उसमें से मैंने एक जो है अपना कुर्ता सूट स्टिच करवा लिया। तो इस तरीके से दो में काम आ गया था फैब्रिक, और इस तरीके का ये ब्लाउज मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने जो है आगे
बिल्कुल ऐसे स्क्वायर वाली नेक रखी है, चौकोर नेक है और यहाँ पे नीचे वाला पैटर्न बहुत अच्छा है इसका। इस तरीके से इसमें डबल फ्रिल्स लगवाई है मैंने और जो मेरे टेलर है इन्होंने देखो कितनी अच्छी जो है इसमें फिनिशिंग दी है फ्रिल्स में। फ्रिल्स तभी अच्छी लगती है तब उसमें फिनिशिंग हो। तो गाइस इसमें जो मैंने स्लीव्स है ये बेल स्लीव्स बनवाई है और वो भी डबल लेयर में। इस तरीके से इसमें बेल स्लीव्स बनवाई है मैंने। बेल स्लीव्स में कपड़ा जो है फैब्रिक बहुत ज्यादा रखता है क्योंकि इतना चौड़ा यहाँ पे आ जाता है, फिर ऊपर से इसमें डबल लेयर हुई है तो काफी फैब्रिक लग जाता है बेल स्लीव्स में। तो ये ब्लाउज आप जब भी स्टिच करवाना जब आपके पास फैब्रिक ज्यादा हो। एंड इसका कुछ मैंने इस तरीके से स्टिच करवाया हुआ है और ये पैड्स क्या है मैंने ऊपर से ही लगवाए हुए हैं, अभी मैं इसको ठीक करवाऊंगी टेलर से। एक्चुअली क्या है मैं इसमें पैड्स मैंने स्टार्टिंग में नहीं लगवाए लेकिन पहनने के बाद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई तो मैंने मुझे कुछ फंक्शन में जाना था तो मैंने अभी ऊपर से ही इसमें स्टिच कर लिए, अभी मैंने इसको ठीक नहीं करवाया है। तो इसकी बैक की इमेज मैं साइड में अपलोड कर दूंगी कि इसका बैक कैसा आता है। इस तरीके का मैंने इसमें बैक बनवाया हुआ है, ये 3 स्टेप बनवाई हुई है और यहाँ पे जो है हर स्टेप में मैंने बहुत ही प्यारे से ब्यूटीफुल से इसमें बटन्स लगवाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही प्यारी बैक आएगी। साइड में इसमें भी मैंने चेन लगवाई हुई है ब्लाउज में और पैड्स मैंने इसमें ऊपर से लगवाए हुए हैं। तो इस तरीके का आपको ये ब्लाउज मिलेगा और पहनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगता है और मोस्टली सभी के साथ आप इसे कैरी कर सकते हो। तो इस तरीके का मैंने ये ब्लाउज बनवा रखा है। नेक्स्ट जो ब्लाउज मैंने बनवाया है ये भी मैंने क्या है ऐसे ही पिंक रेड ब्लैक ब्लाउज स्टिच करवा रखा है। तो ये वाला पिंक ब्लाउज भी मैंने ही स्टिच करवाया था, अलग से मार्केट से फैब्रिक लिया था प्लेन वाला और इसे स्टिच करवाया था। ये भी स्लीवलेस ब्लाउज मैंने स्टिच करवाया है और बैक में इसके मैंने इस तरीके से लेस लगवाई है और यहाँ पे ये वाला डिजाइन दिया है और ये दो है जो स्ट्रिप्स हैं। तो ये भी पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज है लेकिन पहनने के बाद रियली बहुत प्रिटी लगता है। आगे इसमें मैंने पैड्स लगवाए हैं, साइड में चेन लगवाई है। तो आप चाहो तो कोई से भी कलर का ऐसे ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो और सभी के साथ ये मोस्टली कैरी कर सकते हो। तो ये वाला ब्लाउज कुछ इस तरीके का मैंने स्टिच करवाया है। अब जो नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्चुअली ये वाला मेरा क्रॉप टॉप है एक ड्रेस के साथ का और मैंने इसकी वीडियो शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो मैं क्या इसे साड़ी के साथ भी वियर कर सकती हूँ, एज ए ब्लाउज भी वियर कर लेती हूँ। ब्लाउज जो है क्रॉप टॉप पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, साड़ी के साथ भी वियर कर सकते हो और एज ए मतलब जैसे स्कर्ट वगैरह के साथ भी वियर करोगे कैरी करोगे बहुत अच्छा लगेगा। इसकी स्लीव्स आपको 3/4 से कम मिल जाएगी एंड यहाँ पे इन्होंने जो है छोटी छोटी सी ये फ्रिल्स बनवाई हुई है। तो ये जो है मुझे स्टिच नहीं मिला था, ये वाला मैंने स्टिच नहीं करवाया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ऐसा आप मार्केट से मतलब फैब्रिक लेके और इस तरीके से इलास्टिक डलवा के आप इसे स्टिच करवा सकते हो। जो नेक्स्ट वाला ब्लाउज है ये कुछ ऐसा नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज है और ये मैंने परचेज किया था, स्टिच नहीं करवाया है, मीशो से परचेज किया था और इसके साथ मुझे रेड कलर की साड़ी मिली थी। ये वाला ब्लाउज भी एक्चुअली सभी के साथ कैरी कर लेती हूँ मैं, ये आपको ऑफ शोल्डर ऐसे ब्लाउज मिल जाएगा पर्ल वाला, काफी कलर्स अवेलेबल है मीशो पे इसके। तो इस तरीके के पर्ल लगे हुए हैं, पर्ल भी बहुत अच्छे से इन्होंने जो है लगवाए हुए हैं, स्टिक किए हुए हैं। काफी टाइम हो गया मुझे परचेस किए हुए, बिल्कुल भी एक भी नहीं हटा, आप देख सकते हैं। तो आगे इसमें इन्होंने पैड्स दिए हुए हैं और इसकी जो है जिप इन्होंने पीछे बैक में दी हुई है। तो ये स्टार्टिंग का ब्लाउज है और ये भी पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इस वाले ब्लाउज को मैंने दिवाली पे वियर किया था साड़ी के साथ में, मैं उसकी पिक्चर अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके का ये मेरा ब्लाउज है नेक्स्ट वाला। अब जो नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्चुअली वो क्रॉप टॉप है और ये वाला भी मैं एज ए ब्लाउज वियर कर लेती हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है ये। इस तरीके का आपको एक क्रॉप टॉप मिल जाएगा, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, नहीं देखी है तो आई बटन में दे दूंगी, चेकआउट कर लेना। और इसमें जो है इन्होंने इस तरीके से ये वाली लेस लगाई हुई है जो कि बहुत अच्छी लगती है और ये भी साड़ी के साथ कैरी करने पे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है। स्लीवलेस आपको ये ब्लाउज मिल जाएगा, पैड्स इसमें नहीं लगवाए हुए हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट सा इसमें फैब्रिक यूज किया है, लाइक साटिन का फैब्रिक है और आगे इसमें इन्होंने इस तरीके का डिजाइन दिया है और बैक में इन्होंने चैन लगवाई हुई है। तो ये वाला ऑलरेडी मैंने स्टिच्ड ऐसे की ऐसे परचेज किया था। अब जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो एक्चुअली मैंने इसे बनवाया है, ये मेरे एक साड़ी के साथ का ब्लाउज है और ये ग्रीन कलर का ब्लाउज है, इसकी साड़ी जो है रेड कलर की है। इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल आगे से इसे स्टिच करवाया है, छोटी छोटी स्लीव्स लगवाई है पर बैक में मैंने इस तरीके से इसमें
फ्रिल्स लगवाई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। ये वाला जो फैब्रिक है मैंने अलग से नेट परचेस किया था और इसकी फ्रिल्स फिर कुछ इस तरीके से लगवाई थी। नॉर्मल जो है राउंड नेक है पर इसमें इस तरीके से छोटी छोटी फ्रिल्स लगवाई है जो कि बहुत प्यारी लगती है वियर करने के बाद। तो मुझे ये वाला ब्लाउज भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको सिंपल ब्लाउज कुछ मतलब स्टिच करवाना है तो आप ये वाला ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं। ये वाला डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अभी लॉकडाउन है तो मैं हॉल वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं काफी टाइम से जो है शीन से काफी परचेजिंग की है, काफी शॉपिंग की है। क्लॉथ्स हैं, टॉप्स हैं, बॉटम्स हैं, एक्सेसरीज हैं। तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तब तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शीन की शेयर कर दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना मत भूलना। अब जो नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने ऐसे की ऐसे स्टिच्ड ही परचेज किया था उदयपुर से, और ये वाला ब्लाउज आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये रेड कलर का ब्लाउज है, जो ब्राइट वाला रेड होता है वो कलर का ब्लाउज है। बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है, एक्चुअली इसमें कुछ भी डिजाइन नहीं है, लेकिन ये ब्लाउज मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी लोगों ने पूछा भी था वियर करने पे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ये ब्लाउज कुछ ऐसा है। इस ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो वेलवेट का फैब्रिक है और इसमें पीछे इन्होंने काफी अच्छा सा ये वर्क दिया हुआ है। ये ऐसे की ऐसे मुझे स्टिच्ड ही मिला था, मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था। तो ये ब्लाउज भी सभी के साथ कैरी हो जाता है, लहंगे के साथ भी, साड़ी के साथ भी। तो ये वाला ब्लाउज कुछ इस तरीके का है। तो गाइस आई होप आपको ये ब्लाउज का कलेक्शन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको अच्छा लगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।